गड़बड़ हो गया है। पूरा षड्यंत्र था कि मैं पर्चा भरने लायक न रह जाऊं, और इस दिशा में उन लोगों को वक्ती तौर पर सफलता भी मिल गई थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के उस आदेश को अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया। जो मंसूबा एक बैग सब फेल हो गया है तो घबरा गए। अब मुझे लगता है, अपनी मेरी जहां तक समझ है, कि हर बाप की या बहुत से ऐसे बाप हैं जो खुद जब कहीं बड़े पद पर होते हैं तो ख्वाहिश होती है कि हम अपने संतान को वहां पहुंचा दें उसी पद पे। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे और नीति की बात करती है, लेकिन कब अपने चाल से अपने चरित्र से पलट जाती है ये जनता बार बार देख रही है। तो सिन्हा जी की भी ख्वाहिश है कि बेटा मेरा जैसे भी हो वो इस अवसर से उसको फायदा मिल जाए, वो कैंडिडेट हो जाए। और भाई हम, जलवा मेरा है, मैं इंद्र लोक का मालिक हूं इस वक्त, हम पूरी ताकत लगाएंगे, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर 20 दिन तक वो विधानसभा के चुनाव में गाजीपुर में गली गली घूमते रहे, रिजल्ट 0 था, उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन सबक नहीं लिया। फिर वो ये सब करेंगे, चाहेंगे कि उनके बेटे को मिले। अब अनफॉर्चुनेटली जो इतिहास है, तो महाभारत की कथा को जब मैं पढ़ता हूं तो धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि हस्तिनापुर नरेश हमारे बाद हमारा बेटा दुर्योधन हो जाए। जब मैं रामायण की कथा को पढ़ता हूं तो उसमें भी देखता हूं कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ की ये मनोकामना थी कि मैं अपने लाडले पुत्र श्री राम को अयोध्या की गद्दी पर बैठा दूं, लेकिन सपना तो उनका भी नहीं पूरा हो पाया था। जो मंजूर है ऊपर वाले को उसके हिसाब से चक्र चलता है। बाप का तो दिल है, बाप का उसमें तो अरमान पलता है, लेकिन चक्र उस विधाता के सिस्टम से चलता है, वो चलेगा, लड़े वो लड़े, कोई भी लड़े, हमें मुकाबला करना है। गाजीपुर की जनता सारा दृश्य देख रही है, हमारा जो अपमान, हमारे परिवार का, ये कैसा परिवार जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी, 12 लोगों ने जेल गए, यातनाएं सही, कुर्बान हो गए, देश की सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हुए कश्मीर को बचाने के लिए हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए, मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को आज ऐसे अपमानित किया गया है कि इस पूरे पूर्वांचल में इस बात को लेकर के गरीबों में बहुत आक्रोश है, और इस चुनाव में ये गरीब एकजुट होकर के इस सरकार के नशे में, मद में चूर, घमंड में चूर इन सत्ताधारी दल के नेताओं को सबक सिखाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गरीब के पास धन दौलत भले न हो, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत होता है, और इस लड़ाई में जो मेरा अपमान हुआ है और मैं सारा कष्ट सह करके भी गरीबों की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया हूं, तो इस लड़ाई में गाजीपुर का गरीब भी मेरा साथ देगा। अब वक्त आ गया है, फैसला उसको देना है।